क्रांतिकारी खबर में आपका स्वागत है। मैं अनिल कुमार वर्मा आज यहाँ पर उमानगर कॉलोनी डोरी नगर रोड अलीगढ़ स्थित श्रीमान केवी मोरे जी के निवासी स्थान पर हैं, जो कि सिविल सर्विस की तैयारियाँ करा रहे हैं आजकल, और कई सालों से विगत कई वर्षों से वो सभी छात्रों को और ऐसे अभावग्रस्त गरीब छात्रों को शिक्षा दे रहे हैं। और ये आज यहाँ पर जो उनसे हम लाभ ले रहे हैं उनकी इंटरव्यू साक्षात के द्वारा कि सिविल सर्विस की तैयारी कैसे करें, और जो महत्वाकांक्षी बच्चे हैं जो कि दिल्ली और अन्य शहरों में नहीं जा सकते क्योंकि उनके पास साधन नहीं है, तो ऐसे बच्चों के लिए उनको हम ये शिक्षा प्रदान करने के लिए, उनको गाइडेंस करने के लिए आज के मोरा साहब जो है कि आपको बताएंगे सिविल सर्विस की कैसे करें उसके लिए, लाभ के लिए बच्चों के लिए जो कि अभाव में है और जो कि इसको पूरा सक्षम नहीं है कि दिल्ली जाएं कहीं बाहर जाएं, तो उसके उनकी ये साधन बनकर आ रहे हैं और ये समय समय पर गाइडेंस करते रहेंगे। इनके पढ़ाए हुए करीब 1.5 दर्जन बच्चे जो कि यूपीएससी यूपीपीपीसीएससी पीसीएस आईएएस में चयनित हो चुके हैं। तो माननीय केवी मोरे साहब से मैं रूबरू होते हैं हम, जो कि फाउंडर हैं आईएएस एजुकेशन गोल्ड और जेस फैकल्टी ऑफ गवर्नमेंट आईएएस पीसीएस कोचिंग सेंटर निजामपुर हापुर से। तो माननीय केवी मोरे साहब से मैं रूबरू होते हैं कि सर आईएएस यूपीएससी की तैयारियां कैसे करें। देखिए, आपने बहुत ही वाजिब सवाल पूछा है कि यूपीएससी और यूपीपीएससी की तैयारी कैसे करें। कई बार ऐसा होता है कि जो बच्चे होते हैं, जो अभ्यर्थी होते हैं, जो एस्पिरेंट होते हैं, वो सही गाइडेंस न मिल पाने की वजह से इस महत्वपूर्ण परीक्षा को या तो क्रैक नहीं कर पाते हैं, या अगर क्रैक करते भी हैं जो बच्चे, तो उनको बहुत लंबा समय लग जाता है। कई बार ऐसा होता है कि किसी बच्चे में इतना टैलेंट है कि वो 2 साल में, 3 साल में या 1 साल में निकाल सकता है, लेकिन उसको उपयुक्त गाइडेंस न मिल पाने की वजह से जो बच्चा 2 साल में निकाल सकता है वो 5 साल में निकाल रहा है, 6 साल में निकाल रहा है, 10 साल में निकाल रहा है। और कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे बच्चे मायूस होकर के बैठ जाते हैं, जबकि उनके अंदर टैलेंट है, वो निकाल सकते हैं। तो सबसे पहली जो महत्वपूर्ण बात है इस परीक्षा को तैयारी करने के लिए, वो दो महत्वपूर्ण बातें हैं। एक तो ये कि बच्चे को अपने आप पे पूरा भरोसा होना चाहिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि वो ये कर सकता है। उसके बाद में उसको अपने वो बहुत ही वैलिड और अच्छे सोर्स कलेक्ट करने चाहिए जिनके माध्यम से वो इस परीक्षा की उपयुक्त तैयारी कर सकता है। जब तक वो अपने आप पे भरोसा पैदा नहीं करेगा और एक सेलेक्टिव और उपयुक्त स्रोत नहीं प्राप्त कर लेता है, तब तक उसकी तैयारी नहीं कर सकता है। मार्केट में आज बहुत सारे स्रोत हैं, बहुत सारा मटेरियल है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा मटेरियल वो लें, कौन सी पुस्तक से वो पढ़ाई करें और कौन सी पुस्तक से पढ़ाई नहीं करें। कई बार क्या होता है कि बच्चे जो ना 2 महीने एक किताब से तैयारी की, फिर किसी ने बताया कि अरे ये किताब तो बेकार है जी, अब तुम पढ़ क्या रहे हो, तुमको ये किताब नहीं, ये किताब पढ़नी चाहिए थी। अब चूंकि वो नया एस्पिरेंट है, उसको नहीं आइडिया है कि उसको क्या पढ़ना था क्या नहीं पढ़ना था, तो जो वहां पहले से जो बच्चे हैं या कोई इसकी जानकारी रखने वाला है उसने बता दिया कि ये बुक बेकार है, ये पढ़नी थी। अब उसको लगा कि मेरे तो 2 महीने 3 महीने खराब हो गए, अब वो नई किताब लेकर के आएगा, उसको पढ़ेगा जी। फिर मान लीजिए मैं मिल गया जी, मैंने कहा बेटा क्या करो कि सर ये पढ़ रहा हूँ। अरे तो यार ये क्यों पढ़ रहे, ये तो बिल्कुल बेकार है, इसका तो कोई मतलब नहीं है। तो उसके 3 महीने पहले खराब हो गए, 6 महीने अब खराब हो गए। तो कई बार क्या होता है कि बच्चा इसी में भटकता रहता है कि यार कौन सी किताब पढ़नी है, कौन सा सोर्स रिलीवेंट है, कहाँ से लें कहाँ से नहीं लें, तो इसमें बहुत सारा समय खराब हो जाता है। तो एक तो उसको अपना जो गाइडेंस का दायरा है वो सीमित करना होगा,
किताबों की संख्या सीमित करनी होगी। उसे ये तय करना होगा कि कौन सी पुस्तकें अच्छी हैं जिनसे मैं पूरी तरह से तैयारी कर सकता हूँ, और अपना मेंटर चयन करने में भी उसे बहुत ज्यादा सावधानी बरतनी पड़ेगी। कहीं ऐसा तो नहीं है कि अधकचरे व्यक्ति को हम अपना मेंटर बना ले रहे हैं, जी, जी, जिसको खुद ही जानकारी जी, नहीं जी, है या, या, या। वो हमको क्या जानकारी देगा। तो कई बार क्या होता है, जैसे गांव देहात में बच्चे होते हैं और गांव का कोई एक बच्चा दिल्ली में जाकर के कोचिंग कर रहा होता है, यस यस यस, और वो 3 साल से लगा हुआ है, 4 साल से लगा हुआ, नहीं हो पा रहा है। फिर एक पड़ोस का बच्चा ग्रेजुएशन कर लेता है, उसको भी लगता है कि मैं भी यूपीएससी की तैयारी कर सकता हूँ अच्छे से। अब चूंकि वो ग्रामीण पृष्ठभूमि से है, उसके पास कोई आइडिया नहीं है कि इसकी तैयारी क्या कहाँ करें, तो उसको सबसे बड़ा जो मेंटर लगता है, गाइड लगता है, वो ये लगता है कि उसका जो पड़ोसी पिछले 3 साल से दिल्ली में कोचिंग कर रहा है, वो जो भैया गए हैं, उनको अच्छी जानकारी होगी, वो उस भैया को पकड़ते हैं जी। और यहाँ उनसे ये सबसे बड़ी चूक हो जाती है। मैं ये नहीं कह रहा कि दिल्ली में जो बच्चे गए हुए हैं 3 साल से 4 साल से तैयारी कर रहे हैं, उनसे हमें गाइडेंस नहीं लेनी चाहिए, अब वो सारे बच्चे बेकार हैं, लेकिन हमें ये चयनित करना पड़ेगा, ये समझ हमारे अंदर होनी चाहिए कि जिस भैया से हम गाइडेंस ले रहे हैं क्या वो रिलीवेंट है, सक्षम है कि नहीं, क्या सक्षम है या नहीं है, क्या उनको बाकी में जानकारी है या नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो खुद ही कंफ्यूज हो, खुद ही अनुभवहीन है, खुद ही अनुभवहीन है, उनको खुद ऐसा मेटीरियल नहीं मिल पाया है जी, जी, कि चीजें कर सके। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, तो इन चीजों में सावधानी बरतनी चाहिए बच्चों को। तो ये आपने बताया कि हमको एक आदर्श जो कि सक्षम हो, ऐसे गुरुओं को हम उनसे शिक्षा लें, ये आपने बहुत ही अच्छा जो है फर्स्ट अटेम्प्ट है, ये बहुत अच्छा जो है बच्चों को लिए गाइड किया। अब मैं सर दूसरे के इसकी तैयारी कब से की जाए, ये प्रश्न है हमारा। हाँ, ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका। अक्सर करके बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि इसकी परीक्षाओं की तैयारी कब से की जाए, क्या परीक्षाओं की तैयारी हम ग्रेजुएशन के बाद कर दें या ग्रेजुएशन के साथ करें। कई बच्चे क्या करते हैं कि पहले वो सोचते पहले ग्रेजुएशन कर लेते हैं, ग्रेजुएशन करने के बाद में फिर दिल्ली जाएंगे, कोई कोचिंग ज्वाइन करेंगे, उसके बाद तैयारी करें। तो मेरा जो अपना मानना है, मेरा मानना ये है कि आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो जितनी जल्दी हो सके इसकी तैयारी में लग जाना चाहिए, और इसकी तैयारी के लिए आपको कोई बहुत बड़ा कुछ नहीं करना है, छोटे 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 अटेम्प्ट लेने हैं। अब क्या होता है कि जो बच्चे ग्रेजुएशन करने के बाद में दिल्ली कोचिंग करने के लिए जाते हैं तो उनके ऊपर बहुत बड़ा प्रेशर आ जाता है, समय कम होता है और सिलेबस बहुत सारा होता है समुंदर की तरह, और समय है बहुत कम। उस प्रेशर में होता यह है कि बच्चे अपनी क्षमता का सही उपयोग करने के बजाय वो फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, और फ्रस्ट्रेटेड जब बच्चा हो जाता है ना तो जितना वो दे सकता है ना उसका 50% भी नहीं दे पाता है, और उसमें फिर वो डाउन हो जाता है, और ऐसे में बच्चे को लगता ये है कि वो इसके लायक नहीं है, जबकि वो इसके लायक होता है लेकिन उसकी शुरुआत गड़बड़ हो गई। तो मैं जो बच्चों को सलाह देता हूँ, मैं ये सलाह देता हूँ कि वो ग्रेजुएशन के साथ में इसकी तैयारी करें। बहुत बढ़िया, अच्छा अच्छा, ग्रेजुएशन के साथ, ग्रेजुएशन के साथ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, फंटास्टिक। और ज्यादा हो सके तो अपने आप को तैयार तो सीनियर सेकेंडरी से करना शुरू कर देना चाहिए, 12th से ही अपने आप को बिल्डअप करना शुरू कर देना चाहिए कि मैं, मुझे सिविल सर्विसेज में जाना है, और अपना माइंड मेकअप करना, सिविल सर्विसेज के लिए किन चीजों की जरूरत पड़ेगी वो सब कलेक्ट करना, गाइडेंस लेना, पेरेंट्स पढ़े लिखे हैं पेरेंट्स से कंसल्ट करें, उनसे गाइडेंस लें, उनसे बात करें। पेरेंट्स नहीं कर सकते
तो पेरेंट्स की हेल्प से, कुछ ऐसे प्रोफेसर से, यस कुछ यस, ऐसे कुछ ऐसे टीचर्स से, अधिकारियों से, यस कुछ ऐसे अधिकारियों से बात करें, उनसे पूछे सर हमको ये करना यस है, यस तो हम, मैं इस समय इंटरमीडिएट कर रहा हूँ, तो किस जी तरह से मूव कर यस, सकते बहुत हैं, बढ़िया तो अपने आप को बिल्डअप करना। बहुत बढ़िया तो ये 2 साल अपने आप को बिल्डअप करने में, बहुत तैयारी बढ़िया करने बहुत में, बढ़िया तो ग्रेजुएशन से आप थोड़ी 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 बहुत तैयारी बढ़िया। करते जाइए। तो ये आप सर ने बहुत